क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया अलेक्जेंड्रिया की संत कैथरीन का पर्व मनाती है। उनका जन्म 4वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे राजकीय परिवार से संबंध रखती है। उनके पिता एक राज्यपाल थे और संत कैथरीन बचपन से ही बहुत अधिक बुद्धिमान और बहुत साहसी थी। उन्हें हर प्रकार का ज्ञान था। संत कैथरीन कहती थी कि अगर वह शादी करेगी तो उसी व्यक्ति से करेगी जो अधिक बुद्धिमान होगा, समाज में जिसका ऊंचा दर्जा होगा और जो अनेक प्रकार के कार्यों में निपुण होगा। संत कैथरीन जब सो रही थी, सपने में उन्हें माता मरियम और बालक यीशु ने दर्शन दिया। माता मरियम बालक यीशु को अपनी गोदे में लेकर खड़ी थी। माता मरियम ने बालक यीशु से कहा, देखो तो कैथरीन कितनी सुंदर है। बालक यीशु ने बिना देखे ही कह दिया कि वह तो बदसूरत है। फिर माता मरियम ने कहा, देखो तो कैथरीन कितनी अमीर है। तो बालक यीशु ने कहा, वह तो सबसे गरीब है। माता मरियम ने फिर कहा, देखो तो कैथरीन कितनी बुद्धिमान है। तब बालक यीशु ने कहा कि वह तो ना समझ है। अब संत कैथरीन का सपना टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि प्रभु का दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण से कितना अलग है। तब वह प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए लालायित रहती है। तब एक मठवासी आते हैं और उन्हें प्रभु के सुसमाचार का पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर वह बहुत अधिक प्रसन्न होती है। संत कैथरीन को फिर सपना आता है। माता मरियम बालक यीशु को गोद में लिए हुए खड़ी हुई है। माता मरियम बालक यीशु से कहती है, देखो तो कैथरीन कितनी सुंदर है। तब बालक यीशु धीरे से देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, कैथरीन तो बहुत सुंदर है। फिर माता मरियम कहती है, देखो वह कितनी अमीर है। तब प्रभु यीशु कहते हैं, हाँ वह सचमुच अब अमीर है। माता मरियम फिर कहती है, देखो वह बहुत बुद्धिमान है। तब बालक यीशु कहते हैं, हाँ वह तो बहुत बुद्धिमान है। प्रभु अब कहते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और एक अंगूठी कैथरीन के उंगली में पहना देते हैं। और जब संत कैथरीन सुबह उठती है तब वह पाती है कि उसकी उंगली में एक अंगूठी है जो कि प्रभु ने पहनाई है। अब संत कैथरीन जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगी। तब राजा ने उनका विरोध किया। उन्हें लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी। तब राजा ने कई दर्शन शास्त्रियों को इकट्ठा किया ताकि वे उनसे तर्क वितर्क कर सके, क्योंकि संत कैथरीन बहुत ही बुद्धिमान थी। संत कैथरीन ने राजा के सामने सभी तथ्य रखे और कहा कि प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है। राजा उनकी बातों को टालने में असमर्थ रहा। कई विद्वान उनकी बातों पर विश्वास करने लगे, लेकिन राजा बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि उनकी पत्नी फोस्तिना ने भी ख्रिस्त धर्म को अपना लिया था। इसलिए उन्होंने संत कैथरीन को एक पहिए के ऊपर बांधकर लटका दिया। परंतु आश्चर्यचकित ढंग से वह पहिया टूट जाता है और संत कैथरीन बच जाती है। परंतु राजा उन्हें मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उन्होंने संत कैथरीन का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि संत कैथरीन के
पार्थिव शरीर को स्वर्गदूतों ने सिनाई पर्वत पर ले जाकर रखा है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम संत कैथरीन के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी लोगों के लिए समर्पित हो और प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से हम त्याग दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें।